सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने और हमारे चैनल ड्रीम इलेवन के स्पोर्ट्स गुरु टीवी पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं तेलुगु टाइटंस वर्सेस यूपी योद्धा के मैच की ड्रीम इलेवन टीम। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी की सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज भी मैं आपको दो टीम बताने वाला हूँ तेलुगु टाइटंस के। सबसे पहले प्लेइंग इलेवन वॉइस प्लेइंग सेवन, दोनों टीमों की वॉइस सेम रहेगी जो पहले थी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले टीम की तरफ। तो इस टीम में हमने लिया है डिफेंडर्स दो, एक यूपी योद्धा के नीतीश कुमार एंड हैदराबाद के अनिल। नीतीश को देख सकते हैं 85% लोगों ने लिया है और इन्होंने 47 पॉइंट भी दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म है। अनिल कुमार को 53% लोगों ने ही लिया है जो कि ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरे लोग की बात की जाए तो हमने यहाँ पे मकसूद लोग को लिया है जिनको भी 68% लोगों ने लिया है। उसके बाद हमने सागर को लिया है यहाँ पे जिनको सिर्फ 25% लोगों ने लिया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए जो ताकि आप हाईएस्ट विनिंग जीत सके। फिर यहाँ पे हमने राहुल चौधरी को लिया है जिन्हें 83% लोगों ने लिया है। हमने रिशंक देवतिका को अपने नेक्स्ट टीम में लिया है जिनको 60% लोगों ने ले चुके हैं अभी तक। उसके बाद हमने यहाँ पे यूपी योद्धा के दो अलग अलग रेडर्स लिए हैं। रिशंक देवतिका की जगह 40% लिया है, देख सकते हैं प्रशांत कुमार को लोगों ने। वहीं पर श्रीकांत यादव को 76% लोगों ने लिया है। तो इनका परफॉर्म बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस, इससे लोग इनको ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये हमारी टीम थी, यहाँ पे हम 2+2+3 के कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। डिफेंडर के तौर पे नीतीश कुमार यूपी योद्धा के, हैदराबाद के अनिल कुमार। वहीं पे ऑलराउंडर की बात की जाए तो सागर कृष्णा एंड मोहन सेन मकसूद लू। आप चाहे तो इनकी जगह विशाल भारद्वाज को ले सकते हैं और सागर कृष्णा की जगह नरेंद्र को भी ले सकते हैं, ये भी आपको अच्छे पिक दिला देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो ज़्यादा पॉइंट लिया उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। रेडिंग की बात की जाए तो राहुल चौधरी लिया हमने, प्रशांत को लिया, श्रीकांत यादव को लिया है। तो ये बन गई हमारी टीम। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे 2+2+3 कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। जो आप कैप्टन चाहे तो राहुल चौधरी को बना सकते हैं, प्रशांत कुमार को बना सकते हैं, श्रीकांत एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, मकसूद लू अच्छा ऑप्शन है, सागर अच्छा ऑप्शन है, नीतीश भी अच्छा ऑप्शन है। तो ये बाकी सभी प्लेयर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम कैप्टन राहुल को बना देते हैं, वाइस कैप्टन हम श्रीकांत यादव के साथ जाते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पॉइंट लिए हैं प्रशांत से। तो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन हो गए तय। देख रहे थे टीम कैसे दिख रही है। तो 2+2+3 के कॉम्बिनेशन के साथ हम यहाँ पे गए हैं। अनिल है, नितेश है, कृष्णा है, मकसूद लू, राहुल चौधरी, प्रशांत कुमार एंड श्रीकांत यादव। तो ये थी हमारी टीम। अब देख लेते हैं सेकंड टीम। सेकंड टीम में भी हमने सेम नितेश कुमार को लिया। जीवा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमने नीतीश को लिया है, उसके बाद वापस अनिल को लिया है जो कि हैदराबाद के डिफेंडर है जो कि अच्छे पॉइंट दिलाएंगे आपको ग्रैंड लीग के लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने मकसूद लोग को लिया है सागर कृष्णा की जगह। मकसूद लोग को देख सकते हैं 68% लोगों ने लिया, तो ये भी एक ग्रैंड लीग में आपके लिए अच्छे फायदेमंद हो सकते हैं। वह हमने इस बार नरेंद्र को लिया, देख सकते हैं सिर्फ 47 लोगों ने लिया, तो आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छे पॉइंट दिला के आपको हाईएस्ट विनिंग जिताने की पूरी तरह से चांसेस हैं। हमने यहाँ पर राहुल चौधरी को लिया, 83% लोगों ने लिया। फिर यहाँ पे हमने रिशंक देवड़िका को लिया है जिनको भी बहुत कम, ज़्यादा कम नहीं लेकिन 60% लोगों ने लिया है, तो ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। वहीं हमने इस बार प्रशांत की जगह श्रीकांत यादव को लिया है, 76% लोगों ने लिया है इनको। आप देख सकते हैं रिशंक देवड़िका की से ज़्यादा श्रीकांत यादव को लोगों ने लिया है। तो आप चाह आपके लिए रिशांक देवड़िका एक अच्छे पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। तो आप इसे 2+2+3 के कॉम्बिनेशन के साथ हम गए हैं इस टीम में भी। तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो राहुल चौधरी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रिशंक देवड़िका ने भी पिछले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। आप चाहे तो श्रीकांत को वाइस कैप्टन या राहुल को वाइस कैप्टन, कैप्टन एज ए रिशंक देवड़िका या श्रीकांत को एज ए कैप्टन या मकसूद लोग को भी एज ए कैप्टन बना सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मैं यहाँ पे एज ए रेडर के साथ जाऊँगा या एज ए वाइस कैप्टन रिशंक के साथ जाऊँगा क्योंकि रिशंक को सिर्फ 60% लोगों ने लिया है।
तो ये आप करके लेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छे फायदेमंद हो सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारी टीम क्या बन रही। दो दो तीन कॉम्बिनेशन के साथ वापस से गए हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट एंड लाइक।